कैथल में आज एक निजी स्कूल ने बच्चों को फीस न भरने की वजह से पेपर में नहीं बैठने दिया और स्कूल से निकाल दिया। पीड़ित बच्चे अभिभावकों के साथ डीसी की शरण में पहुंचे तो वहां भी निराशा मिली। पत्रकारों से बात करते हुए छात्रों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले दिन पेपर देने गया था तो फिर धर्म शिक्षा और कंप्यूटर का पेपर था, तो फिर उन्होंने मैम किसी ने देखा तो फिर पेपर देने दिया। जब मैं वापस आया तो घर पे फोन आ गया कि भी आप पेपर कैसे देने आ गए, तो फिर मैंने पापा का नंबर दे दिया कि भी बात कर लो। फिर पापा के साथ बात हुई थी, फिर मैं अब कल देने गया ना पेपर, तो फिर देने नहीं दिया पेपर। और अगर मैंने कहा फ़ोन कर लो पापा को तो फ़ोन भी नहीं करने दिया। कह रहे हैं क्यों नहीं पेपर लेने दिया, क्या रीज़न बताया? सर कह रहे फीस नहीं भरी आपने। कितने बच्चों को बाहर निकाल दिया था? सर मेरे साथ एक दो बच्चे और थे। वहीं अभिभावकों ने कहा कि स्कूल ने स्कूल फीस ना भरने के कारण ना तो बच्चों को पेपर में बैठने दिया और स्कूल से भी निकाल दिया। उनका कहना है कि ना तो ऑनलाइन क्लासेस लगी और ना ही स्कूल खुले, फिर फीस किस बात की भरे। उन्होंने कहा है कि अगर आप फीस नहीं भर सकते तो मैं गवर्नमेंट में एडमिशन करा देता हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल CBSE एफिलिएटेड है ही नहीं है प्लस टू के लिए, तो उसका तो आगे करियर ही खराब हो जाएगा। कहते आप लोन ले लो, आपको तो एडमिशन फीस भी भरनी पड़ेगी क्योंकि मैंने भी भरी अपने बच्चों की, जबकि फॉर्म 6 के हिसाब से एडमिशन फीस ले ही नहीं सकते हैं लोग। तो अन्याय तो हो ही रहा है, पर DC साहब ने भी हाथ ही खड़े कर दिए हैं, कुछ नहीं है। सरकार से ही मांग करते हैं जो फॉर्म 6 में लिखा है उसके हिसाब से आप फीस ले लो। तो आप फीस देने के लिए तैयार हैं तो फिर स्कूल वाले ले क्यों ना रहे? स्कूल वाले साथ में कह रहे हैं कि हमें एनुअल चार्जेस चाहिए, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। बहरहाल सभी बच्चे और उनके माता पिता मामले को लेकर DC से मिले, लेकिन बच्चे वहां से भी निराश ही लौटे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।